हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉन टेक टेक विद हसन भाई में। मैं प्रेमवती यादव, आज हम होम्योपैथिक मेडिसिन एसिटिक एसिड के बारे में बात करने वाले हैं। एसिड ग्रुप जैसे ही आता है तो हमारे दिमाग में दो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, पहली तो चिलीनेस एंड सेकेंड थिंग कि इसमें हमें बहुत ज़्यादा वीकनेस देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसके कॉमन नेम की बात करते हैं तो इसका कॉमन नेम है ग्लैसियल एसिटिक एसिड। इस मेडिसिन की बात करें कि इस मेडिसिन को हम कहाँ दे सकते हैं, किस पर्सन में इसका बहुत अच्छा एक्शन देखने को मिलेगा, तो इसका जो पर्सन होगा ना, बहुत ज़्यादा पेल लीन थीन पर्सन देखने को मिलेगा, लैक्स होगा, फ्लैबी मसल्स देखने को मिलेंगे, उसके साथ मरास्मस देखने को मिलेंगी, बहुत सारे सिम्टम्स के साथ दुर्बलता, बहुत ज़्यादा पतला दुबला, वास्टिंग डिसीज ऑफ चिल्ड्रन देखने को मिलेगा हमें। इसके बाद बात करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा एनीमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी, उसके साथ ड्रॉपसिकल सिम्टम्स मतलब स्वेलिंग देखने को मिलेगी, ग्रेट डेबिलिटी होगी, फ्रिक्वेंट फेंटिंग देखने को मिलेगी, पर्सन जो है ना बार बार बेहोश हो जाएगा, डिस्निया मतलब सांस लेने में भी तकलीफ होगी, हार्ट भी जो है ना बहुत ज़्यादा वीक देखने को मिलेगा, उसके साथ वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होगी पर्सन को, प्रोफ्यूज यूरिनेशन एंड स्वेट भी देखने को मिलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा यूरिन भी पास आउट कर रहा है और स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। स्वेटिंग अगर हम बात करें तो फीवर के केस में बहुत ज़्यादा होगा, ड्रेंचिंग मतलब ऐसा लगेगा जैसे कि नहा लिया हो स्वेट से, वैसा हमें देखने को मिलेगा स्पेशली नाइट के समय में। अब हम बात करते हैं हिमरेज के लिए, बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर किसी भी पार्ट से बॉडी में हिमरेज देखने को मिल रहा हो, किसी भी म्यूकस आउटलेट जैसे नोज हो गया, थ्रोट हो गया, लंग्स हो गया, हमारा स्टमक हो गया, बॉवेल, यूट्रस, अगर वहाँ कहीं से भी हमें हिमरेज देखने को मिल रहा हो, उस कंडीशन में हम एसिटिक एसिड के बारे में सोच सकते हैं। बहुत अच्छी एक्ट करती है हमारी ये मेडिसिन। और उसके साथ क्या देखने को मिल रहा है, पेल है पर्सन, लीन है, लैक्स फ्लैबी मसल देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा वास्टिंग देखने को मिल रही है, डेबिलिटी देखने को मिल रही है, तब हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं। एपिथीलियल कैंसर होगा किसी पर्सन को, उस समय भी दे सकते हैं। और उसके साथ इंटरनली एंड लोकल कैंसर जो है, इंटरनल हो या तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, उस समय साइकोसिस के साथ अगर नोड्यूल का फॉर्मेशन हो रहा हो स्पेशली जॉइंट्स में, और उसके बाद कैसा हो, हार्ड कैंकर मतलब हार्ड हो, तो हम 1x सॉल्यूशन का यूज़ करेंगे एसिटिक एसिड का, तो जो हमारा नोड्यूल है जो कि हार्ड था वो सॉफ्ट हो जाएगा एंड पस फॉर्म करेगा। ठीक है, तब भी हम दे सकते हैं किसी को जॉइंट में हार्ड कैंकर की प्रॉब्लम हो, उस कंडीशन में 1x सॉल्यूशन में इसका यूज हम कर सकते हैं। अब हम इसके माइंड सिम्टम्स की बात करते हैं कि इसका पर्सन कैसा होगा, तो इसका पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा इरिटेबल टाइप का पर्सन होगा और बहुत ज़्यादा चिंतित रहेगा अपने बिजनेस अफेयर्स को लेके, अपने बिजनेस के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता रहेगा कैसे करना है क्या करना है, ये सारे मैटर में ये बहुत ज़्यादा टेंशन में हमें देखने को मिलेगा। अब हम इसके हेड की बात करते हैं तो इसमें हमें नर्वस टाइप का हेडेक देखने को मिलता है, एब्यूज़ ऑफ नार्कोटिक अगर कोई बहुत ज़्यादा ड्रग का यूज़ कर लिया उसकी वजह से हमें देखने को मिल सकता है, ब्लड रश कर रहा हो बहुत ज़्यादा हेड की तरफ, उसके साथ डेलीरियम की कंडीशन हो रही, उस समय भी हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं। और जो टेम्पोरल में वेसल्स जो होती है ना बहुत ज़्यादा डिस्टेंडेड देखने को मिल रही, बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, उस समय भी दे सकते हो। पेन जो है एक क्रॉस करता हो रूट ऑफ टंग से, इसका हेड का जो पेन है, पेन कहाँ से क्रॉस कर रहा है, रूट ऑफ टंग से, उस समय भी हम एसिटिक एसिड के बारे में सोच सकते हैं। अब हम इसके फेस की बात करते हैं कि पर्सन का फेस कैसा होगा, तो बहुत ज़्यादा पेल होगा, वैक्सी होगा, इमेसिएशन देखने को मिलेगा, आइज भी जो है ना सनकेन मतलब धसी धसी से देखने को मिलेगी एंड डार्क रिंग देखने को मिलेगा। ये सब हम सोच रहे होंगे ना कि कहाँ पे काम आएंगे, हम कैसे जानेंगे, तो जब आप पेशेंट को देखेंगे ना तब बहुत सारे सिम्टम्स हमें देखते के साथ, जैसे कई पेशेंट हमें ब्लू रिंग डार्क रिंग के साथ देखने को मिल जाते हैं, आई भी सनकेन है, पेल वैक्सी देखने को मिल रहा, ब्राइट रेड देखने को मिल रहा हो, तब भी हम दे सकते हैं, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो, एपिथेलियोमा हमें लिप में देखने को मिल रहा हो, चिक हॉट हो और फ्लस्ड हो रहा हो, ठीक है, एकिंग देखने को मिल रही है लेफ्ट जॉ में, लेफ्ट जॉ पॉइंट में एकिंग दर्द देखने को मिल रहा हो, उस समय भी हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं। हम स्टमक की बात करते हैं तो सलाइवेशन बहुत ज़्यादा होगा, फर्मेंटेशन देखने को मिलेगा और उसके साथ बहुत ज़्यादा बर्निंग थर्स्ट भी है इसमें पर्सन में, क्या देखने को मिल रहा है, ड्रॉपसी मतलब बहुत ज़्यादा स्वेलिंग भी की कंडीशन है, एडिमा भी है, उसके बाद भी क्या है, थर्स्ट भी बहुत ज़्यादा है, कोल्ड ड्रिंक की बहुत ज़्यादा डिज़ायर है कि ठंडा पानी पी, उसके बाद क्या होता है वोमिटिंग कर देता है, किसी भी टाइप का फूड ले तुरंत वोमिटिंग भी देखने को मिलेगा, एपिगैस्ट्रिक में बहुत ज़्यादा टेंडरनेस देखने को मिलेगी, अल्सर जो होते हैं उसे बर्निंग टाइप का पेन देखने को मिलेगा, स्टमक के कैंसर के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, उसके साथ अगर सोर बेल्चिंग वोमिटिंग देखने को मिल रही हो, बर्निंग हो रही हो, पर्सन को वाटर ब्रश मतलब जो खाना खाया बार बार ऊपर आता है ना, तो खट्टी डकार टाइप पानी ऊपर आ रहा है उसको वाटर ब्रश बोलते हैं, तब भी प्रोफ्यूज सलाइवेशन देखने को मिल रहा है, उस कंडीशन में भी हम इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं।
और गैस्ट्रेल्जिया के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। उसके साथ वॉयलेंट बर्निंग पेन स्टमक एंड चेस्ट दोनों जगह हमें देखने को मिल रहा है। उसके साथ स्किन में भी बहुत ज़्यादा कोल्डनेस हो जा रही, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ चुकी है। उसके साथ कोल्ड स्वेट ऑन फोरहेड भी देखने को मिल रहा। हमें कोल्ड स्वेट ऑन फोरहेड में सिर्फ हमारी एक ही मेडिसिन याद आती है, हमें सिर्फ एक ही मेडिसिन याद आती है, कौन सी? बेरेट्रा मलबम। बट हमें एस्टिक एसिड को भी याद रखना कि इसमें भी हमें कोल्ड स्वेट देखने को मिलता है फोरहेड में। उसके बाद स्टमक में क्या देखने को मिलता है, ऐसा फील आता है कि उसने बहुत ज़्यादा विनेगर का क्या किया है, टेक किया है, बहुत ज़्यादा विनेगर लिया है, ऐसा हमें उसमें फीलिंग देखने को मिलता है। अब हम इसके एब्डोमन सिम्टम्स की बात करते हैं तो एब्डोमन में ऐसा लगता है कि सिंकिंग फीलिंग देखने को मिलता है, फ्रिक्वेंटली वाटरी स्टूल देखने को मिलेगा, इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा वॉश हो जाएगी मॉर्निंग के समय में, टिम्पेनाइटिक देखने को मिलेगा, मतलब ईयर में जो है ना, ईयर की मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, एसाइटिस देखने को मिलेगा, हेमरेज हो रहा होगा बॉबल से, उस कंडीशन में भी हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं। अब यूरिनरी सिम्टम्स की बात करें तो स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि इसमें बहुत ज़्यादा सलाइवेशन एंड यूरिन पास आउट देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे भी लार्ज क्वांटिटी में पेल यूरिन पास आउट होगा। जैसा कि डायबिटिक पर्सन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा यूरिन पास आउट करते हैं, उस कंडीशन में भी देख सकते हैं। उसके साथ बहुत ज़्यादा थर्स्ट देखने को मिलेगी और बहुत ज़्यादा डेबिलिटी देखने को मिलती है पर्सन में। अब हम फीमेल की बात करते हैं तो इसमें एक्सेसिव कैटामेनिया देखने को मिलेगा, मतलब क्या हो गया, बहुत ज़्यादा मेंसेस देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा मिनोरेजिया देखने को मिलेगा, ब्लीडिंग के साथ और भी बहुत सारे पार्ट एक्सक्रीट आउट होंगे वुमेन में। उसके साथ हिमरेज देखने को मिलेगा आफ्टर लेबर के बाद, प्रेगनेंसी के समय में नोजिया देखने को मिल रहा है, ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा पेनफुल है एंड इनलार्ज देखने को मिलेगा, डिस्टेंडेड और उसके साथ मिल्क भी एक्यूमुलेट देखने को मिलेगा, मिल्क भी इम्पावर फ्लैश होगा, ब्लूइश ट्रांसपेरेंट होगा। उसके साथ एनीमिया देखने को मिलेगा नर्सिंग वुमेन में, जो वुमेन बच्चों को फीड करा रही है उनमें भी एनीमिया अगर हो रहा उस कंडीशन में भी हम इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। और हमें रेस्पायरेटरी की बात करते हैं तो हॉर्सनेस देखने को मिलेगी, घरघराहट हो रही है, हिजिंग रेस्पायरेशन, जैसे सांप चलता है वैसी आवाज़ हमें देखने को मिलेगी, डिफिकल्टी होगी ब्रीथ में, कफ होगा, जब पर्सन कुछ इनहेल करता है उस समय हमें खांसी देखने को मिलेगी, मेम्ब्रेनस क्रूप होगा, ट्रैकिया में बहुत ज़्यादा इरिटेशन देखने को मिलेगा और हमारी जो ब्रोंकियल ट्यूब्स होती है उसमें भी बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगी, मेम्ब्रेन थ्रोट में जो है ना फॉल्स मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा, उसके साथ प्रोफ्यूज ब्रोंकोरिया भी देखने को मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा सोर थ्रोट होगा इस पर्सन में। अब हम बैक की बात करते हैं तो बैक रीजन में बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिलेगा और एब्डोमन के बल लेटने में सिर्फ इसमें रिलीफ होगा। और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे सिम्टम्स में बेली के साइड से सोने से रिलीफ है। अगर हम यही लाइंग इन बैक की बात करें तो ये बिल्कुल भी लेट नहीं सकता, कैन नॉट स्लीप लाइंग ऑन बैक। अगर बैक से रिलीफ की बात करते तो हमें लाइंग ऑन बैक से बेटर फील होता है आर्सेनिक के पर्सन में। और बेली की बात करें तो हमारी एस्टिक एसिड हो गई, अमोनियम कार्ब में बेली से सोने में पर्सन को अच्छा लगता है, मतलब पेट के बल सोने से अच्छा लगता है, ठीक है। एक्सट्रीमिटीज़ की बात करें तो बहुत ज़्यादा इमेशिएशन देखने को मिलेगा, एडिमा देखने को मिलेगा हमारे फीट में एंड लेग्स में। हमें स्किन के बात करते हैं तो स्किन जो होती है ना बहुत ज़्यादा पेल होगी, वैक्सी होगी, एडिमिटस होगी, जलन देखने को मिलेगा, ड्राई होगी, हॉट स्किन होगी और स्वेटिंग से ऐसा लगेगा जैसे पसीने से पूरी नहा ली हो वैसी स्किन देखने को मिलेगा, डिमनिस सेंसिटिविटी देखने को मिलेगी हमें। उसके बाद क्या होगा, अगर किसी पर्सन को कुछ बाइट कर दिया हो, कोई मच्छर काट दिया हो या कोई स्टिंग्स बाइट हो गई हो, उसके बाद भी हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं। वेरिकोज वेन में अगर स्वेलिंग देखने को मिल रही हो, स्कर्वी एनासार का मतलब जनरलाइज स्वेलिंग हो गई हो, ब्रूसेस हो रहे हो, किसी को बार बार स्प्रेन मोच आ जाते हो, उस कंडीशन में भी इस मेडिसिन का यूज हम कर सकते हैं। अब हम फीवर की बात करते हैं तो ये फीवर के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर किसी पर्सन को हेक्टिक फीवर आ रहा हो, उसके साथ स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो, हॉट हो, रेड स्पॉट देखने को मिल रहा है हमारे लेफ्ट चीक में, और उसके साथ क्या था, हम क्या देख रहे थे, इसमें अनकॉन्शियबल थर्स्ट देखने को मिल रहा था ऑल सिम्टम के साथ, बट फीवर के कंडीशन में यहाँ पे पर्सन को थर्स्ट नहीं है, मतलब प्यास नहीं लग रही, इस सिम्टम को याद रखिएगा, तब भी हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं। और ड्रेंचिंग नाइट स्वेट देखने को मिल रहा, बहुत ज़्यादा पसीना देखने को मिल रहा रात के समय में, तब भी दे सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके एंटीडोट की बात करते हैं कि इस मेडिसिन के द्वारा हम किस किस चीज़ को एंटीडोट कर सकते हैं, मतलब किस किस चीज़ के इफेक्ट को हटा सकते हैं। तो एनेस्थेटिक वेपर, जैसे सर्जरी से पहले एनेस्थेसिया का वेपर भी यूज़ किया जाता है, जैसे ANS या DNS की सर्जरी होनी हो तो उसके इफेक्ट को भी इससे कम किया जा सकता है। फ्यूम ऑफ चारकोल या गैस, ओपियम की एंड स्टामोनियम का अगर किसी पर्सन में बहुत ज़्यादा यूज हुआ उस समय भी हम एस्टिक एसिड से एंटीडोट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।